चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा विधानसभा क्षेत्र केकड़ी के दौरे पर रहे, जहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और समाज सेवी दिवंगत शिखर चंद जैन के निधन पर आयोजित शोक सभा में शामिल होकर श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही में दिवंगत जैन के परिजनों को सांत्वना देकर ढांढस बंधाया। इस दौरान मंत्री ने कहा कि वो हमेशा जनहित के कार्य में अग्रणी रहते थे। उनके निधन से पार्टी सहित शहर की जनता को आघात लगा है, व्यक्तिगत रूप से उन्हें भी गहरा आघात पहुंचा है। चिकित्सा मंत्री के साथ में पुत्र सागर शर्मा ने भी दिवंगत शिखर चंद जैन की तस्वीर के सामने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। लॉकडाउन के बाद में पाली में जिंदगी पटरी पर तो लौट आई, लेकिन महंगाई और आर्थिक संकट ने अब लोगों को पूरी तरीके से घेर लिया है। अन्य राज्यों से आ रही सब्जी अब गरीब की थाली से दूर होती जा रही है। आसमान छूते हरी सब्जी के भाव के कारण आम आदमी अपने घरेलू सब्जियों का ही उपयोग अब कर रहा है। पोषण की महत्वता को देते हुए जहां लोग दोनों समय हरी सब्जी बनाया करते थे, अब सप्ताह में एक या फिर दो दिन ही हरी सब्जी का उपयोग कर पा रहे हैं। जहां 10 दिन पहले तक टमाटर 10 से 15 रुपए प्रति किलो बिक रहा था, तो वहीं बाजार में 70 से 80 किलो तक बिक रहा है। ऐसे में भाव के हालात अन्य सब्जियों के हैं। बढ़ती महंगाई को देखते हुए आम आदमी के साथ सब्जी विक्रेता भी खासे परेशान है। सब्जियां महंगी होती देख लोगों ने सब्जी की दुकानों से मुंह मोड़ना शुरू कर दिया है, तो वहीं महंगाई की मार का कारण बारिश को भी माना जा रहा है। ऐसे में आने वाले कुछ दिन और आमजन को राहत मिलती नहीं दिख रही। खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सचिव भगवान दास के नेतृत्व में कॉलेज के मुख्य गेट पर प्रदर्शन किया और मंत्री रमेश पोखरियाल का पोस्टर जलाकर विरोध किया। साथ ही में नायब तहसीलदार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाम ज्ञापन भी सौंपा और राज्य सरकार के निर्देश पर ही यूजी और पीजी के सभी छात्रों को प्रमोट करने की मांग की है। साथ ही में यूजीसी की नई गाइडलाइन को विरोध उन्होंने जताया। प्रदेश सचिव भगवान दास ने केंद्र सरकार पर छात्रों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ का आरोप लगाया और यूजीसी की नई गाइडलाइन को जल्द ही वापस नहीं लेने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर चना खरीद के टोकन जारी होने के कारण इसके बावजूद भी किसानों से चना नहीं खरीदा जा रहा। आपको बता दें कि इससे नाराज किसानों ने रामपाल जाट के नेतृत्व में दूदू से 3 दिन पहले चने से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलिया सहित दिल्ली कूच किया, लेकिन प्रशासन ने NH-8 स्थित महिला गांव में उन्हें रोक लिया, जहां पर प्रशासन और किसानों के बीच में 3 दौर की वार्ता के बावजूद किसान जो थे वो संतुष्ट नहीं हुए और आंदोलन जारी है। ऐसे में अब किसानों ने रामपाल जाट के नेतृत्व में अनशन शुरू कर दिया है और कहा कि जब तक सरकार चना खरीदना शुरू नहीं करेगी तब तक ये जो अनशन है वो जारी रहेगा। तो वहीं आंदोलन में दूदू विधानसभा क्षेत्र के सरपंचों ने भी इसका समर्थन किया। टोंक के देवली में कोरोना के पॉजिटिव मरीजों का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आज पटेल नगर की एक महिला में कोरोना के संक्रमण की पुष्टि होने के बाद शहर में हड़कंप मच गया। देवली में अब पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या है वो 4 हो गई है। डॉक्टर राजकुमार गुप्ता ने इस पर बताया कि संक्रमित महिला के संपर्क में पटेल नगर की कई महिलाएं भी आई है। इसी के चलते चिकित्सा विभाग ने सैंपलिंग का जो कार्य है वो अब तेज कर दिया। खबर जयपुर के सांभर से है, जहां कोरोना की दस्तक के बाद पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया। साथ ही पुलिसकर्मी लोगों को जागरूक करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे, फिर भी लोग कोरोना वायरस को ठेंगा दिखाते हुए COVID-19 गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जी हां, मुख्य बाजारों में दुकानों के सामने लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के ही नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर कंटेनमेंट जोन के आसपास मेडिकल टीम ने रैंडम सैंपल्स लिए।
अलवर के भिवाड़ी में मेडिकल टीम की बड़ी लापरवाही सामने आई। इसके चलते कोरोना संक्रमण के केसेस जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि भिवाड़ी सीएचसी में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। एकमात्र कोरोना के सैंपलिंग केंद्र होने के चलते यहां सुबह से ही लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और दूसरी ओर फूलबाग सब्जी मंडी की तंग गलियों में लोग सब्जी खरीदारी करने आते हैं, जहां पर लोगों की भीड़ जो है वो होने के चलते आसपास में धक्का मुक्की भी होती है। साथ ही क्षेत्र में कोरोना के पॉजिटिव केस आने के बाद भी पुलिस प्रशासन की ओर से जीरो मोबिलिटी घोषित ना करने और प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम नहीं करने से कभी भी संक्रमण की चेन बढ़ सकती है। जब से अनलॉक वन और अनलॉक टू हुआ है, तब से भिवाड़ी के अंदर दिल्ली और गुड़गांव से लोगों का काफ़ी आवागमन बढ़ा है और इसलिए भिवाड़ी में जो कोरोना का संक्रमण है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। 1 जून के बाद अब तक आज 8 जुलाई तक करीब भिवाड़ी के अंदर 320 केस आ चुके हैं और पिछले 2-4 दिन से जो जुलाई के अंदर एवरेज करीब हर 100 में से 40 लोगों का कोविड पॉजिटिव आ रहा है। बूंदी में कोरोना जागरूकता अभियान के तहत जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने सेल्फी बोर्ड का उद्घाटन किया। साथ ही सेल्फी बोर्ड पर सेल्फी लेकर मैं सतर्क हूं की प्रतिबद्धता दर्शाई। सूचना और जनसंपर्क विभाग की सहायक निदेशक रचना शर्मा ने बताया कि कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए आमजन में विभिन्न जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी के तहत विभाग की ओर से सेल्फी बोर्ड बनाया गया, जिससे लोग मनोरंजन और रुचि के साथ इन बोर्ड में सेल्फी लेकर जागरूकता अपनाए, साथ ही दूसरों को भी जागरूक रहने का संदेश दें। खबर सीकर के फतेहपुर से है, जहां लोगों ने एसडीएम शिलावती मीणा और डीवाईएसपी ओपी किलानिया को ज्ञापन सौंपा और बताया कि 1 महीने पहले बेसवा गांव में दलित परिवार के साथ मारपीट करने और महिलाओं को घर से निकालने का मामला अभी तक दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिस पर डिप्टी ओपी किलानिया ने कहा कि आरोपियों को चिन्हित कर जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। जिस तरीके से दबाव बनाते हुए इनको घर से बेदखल किया गया और सबसे ज़्यादा आश्चर्य की बात है, बेदखल कर दिया वो तो ठीक है, 6 तारीख को FIR दर्ज हो जाती है, 3 SC ST का पूरा प्रकरण है, लेकिन आज तकरीबन 1 महीना पूरा हो गया, आश्चर्य की बात है 1 महीना पूरा हो गया। अगर आम आदमी अगर कोई हो और ऐसी कार्रवाई हो तो दूसरे दिन पुलिस वाले उठा के ले आते हैं। इनकी स्थिति ये है कि इनको कोई सुनने वाला नहीं है, कोई मदद करने वाला नहीं है, बड़ा ही दुर्भाग्य से ये हमारी चीज़ें हमारे सामने आ रही है। बेसवा गाँव में कोई 56 नंबर मुकदमा दर्ज हुआ है SC ST का, कोई मोमडर्स को किसी बलाई परिवार ने ज़मीन बेची थी पुराने कोई 2004 में, तो उस बात को लेकर के ये परिवार जब उस ज़मीन में गया तो उसके साथ में समुदाय विशेष के लोगों ने मारपीट कर ली, इसका SC ST का मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमे में तकमीन 33 पूरी हो गई लगभग और 77 गवाहों से 1-2 के बयान रह गए थे उनके भी ले लिए गए हैं। अब इसमें शीघ्र ही गिरफ्तारी की स्टेज पर पैतरावली है, लेडीज़ के बयान भी कोर्ट में करवा देंगे। अलवर के बानसूर में इलाके में आकाशीय बिजली गिरने से युवती और मवेशी की मौत हो गई। मामला वासदयाल गांव का है, जहां पर युवती जो थी वो तेज बारिश के दौरान भैंस को बचाने के लिए बाहर निकली, तभी आकाशीय बिजली उस पर आ गिरी, जिससे युवती और भैंस दोनों झुलस गए और दोनों की जान चली गई। घटना की सूचना पर बानसूर तहसीलदार जगदीश बैरवा मौके पर पहुंचे और मौका मुआयना किया। अजमेर के कृष्णगंज थाना इलाके के रहने वाले एक पीड़िता ने पुलिस कप्तान कुंवर राष्ट्रदीप से न्याय की गुहार लगाई। पीड़िता के मुताबिक उसकी बुआ और उसकी बेटी ने उसे शादीशुदा होने के बावजूद किसी सद्दाम नाम के लड़के के साथ प्रेम जाल में फंसा दिया और उसकी CD बना ली। अब CD के जरिए पीड़िता को ब्लैकमेल कर दुष्कर्म कर रहे हैं। पीड़िता ने बताया कि मामले का ससुराल वालों को पता लगने के बाद उसका ससुराल भी छूट गया, ऐसे में पुलिस कप्तान के निर्देश पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
थाना क्षेत्र निवासी किसी महिला ने एक प्रकरण दर्ज कराया जिसमें उसने बताया है कि उसकी बुआ के लड़के और बुआ की लड़की ने मिलकर उसको किसी सद्दाम नाम के लड़के के प्रेम जाल में झूठा फंसवा दिया और सद्दाम ने उसके प्रेम जाल का फायदा उठा के उसका देश रोशन किया और अब ये सब मिलकर इन्होंने मेरी अश्लील सीडी बना ली और अब मेरे को लगातार ब्लैकमेल कर रहे हैं और मेरे से पैसे हटने के लिए दबाव बना रहे हैं। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में गंदगी की समस्या से परेशान ग्रामीणों के आगे आखिर प्रशासन ने घुटने टेक ही दिए। दरअसल प्रशासन के अधिकारियों ने जल्द समस्या का समाधान करने का आश्वासन देकर भूख हड़ताल करने वाले ग्रामीणों का अनशन तोड़वा दिया। इस मौके पर एडीएम अशोक मीणा, एसएचओ विक्रम तिवारी और एसडीएम प्रियंका बिश्नोई समेत सभी जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। राजसमंद के नवाद्वारा में बिजली लाइनों को भूमिगत करने की योजना का उद्घाटन किया गया। 54 करोड़ रुपए की लागत से बिजली की लाइनों को अंडरग्राउंड किया गया जाएगा। आपको बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, ऊर्जा मंत्री बीटी कल्ला और ऊर्जा मंत्रालय के सचिव अजिताभ शर्मा ने उद्घाटन किया। इस दौरान स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम में जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल, उपखंड अधिकारी नाथद्वारा और बिजली विभाग के अधिकारियों की मौजूद यहां रहे। तो ही सीपी जोशी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ऊर्जा मंत्री और मुख्यमंत्री का आभार जाहिर किया। साथ ही योजना के लिए बिजली विभाग के अधिकारियों को धन्यवाद भी ज्ञापित किया। इसी के साथ मंत्री कल्ला से क्षेत्र के लिए जलदाय विभाग से योजना की मांग की जिससे घर घर तक नल से पानी पहुंचाया जा सके। तो वही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद बड़ा बाजार क्षेत्र में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना कर खुदाई का कार्य शुरू किया गया। अब खबर बीकानेर से है जहां पर कोलायत में अंग्रेजी मीडियम स्कूल की मांग जोर पकड़ने लगी है। इसी कड़ी में उपखंड मुख्यालय के छोटे बच्चों ने विरोध जाहिर किया और हाथों में तख्तियां लेकर विद्यालय खोलने की मांग की। तो वहीं उपखंड अधिकारी हनुमान सिंह देवल को शिक्षा मंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। राजधानी के दूदू में ग्लोबल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी विद्यालय का 12वीं कक्षा का विज्ञान वर्ग का परिणाम क्षेत्र में सर्वोत्तम रहा। 100% परिणाम के साथ विद्यालय के सभी परीक्षार्थी प्रथम श्रेणी से पास हुए। तो वही छात्रा अनामिका मीणा ने 95.60% अंक और शांति बहेड़ा ने 91.80% अंक प्राप्त कर स्कूल के साथ साथ उपखंड क्षेत्र का भी गौरव बढ़ाया। छात्र छात्राओं ने बताया कि विद्यालय का श्रेष्ठ परिणाम का कारण स्कूल में अनुशासन और संस्कार के साथ निदेशक का समय समय पर मार्गदर्शन प्रदान करना रहा है। बारहवीं विज्ञान वर्ग में 95.60% अंक प्राप्त किए हैं और मैं अपनी सफलता का श्रेय संस्था, यहाँ के टीचर्स और अपने अभिभावक गण को देना चाहती हूँ। कृषि विज्ञान संकाय से 12वीं में 91.80 अंक प्राप्त किए हैं। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने शिक्षक गण, निदेशक महोदय और अपने अभिभावकों को देना चाहती हूँ। खबर उदयपुर के गोगुंदा से है जहां पर चिकित्सा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। जानकारी के मुताबिक मुंडावली की गर्भवती महिला ललिता को प्रसव पीड़ा होने पर एम्बुलेंस से पडावली पीएचसी में भर्ती कराया गया जहां पर नर्स गंगा ने उसका प्रसव करवाया और महिला की सास को मृत बच्ची का जन्म होना बताते हुए प्लास्टिक की थैली में पैक कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया, जिस पर परिजन घर पर ले जाकर दफनाने की तैयारी करने लगे। इस दौरान नवजात शिशु के रोने की आवाज सुनकर परिजनों में खुशी की लहर छा गई। बताया यह भी जा रहा है कि अस्पताल में कार्यरत नर्स की पहले भी रुपए लेने की शिकायत जो थी वो सामने आई है, लेकिन उसके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। अब ग्रामीणों ने नर्स के खिलाफ बीसीएमओ को रिपोर्ट देकर कार्रवाई की मांग की है।
खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के आह्वान पर 6 सूत्री मांगों को लेकर ग्राम विकास अधिकारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही में प्रदेश सरकार और संगठन के बीच पूर्व में हुए लिखित समझौते को लागू करने की मांग की। ब्लॉक अध्यक्ष भगवत सिंह ने बताया कि कोरोना संक्रमण में लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर सुविधाएं प्रदान की गई, लेकिन राज्य सरकार पूर्व में हुए समझौते पर ध्यान नहीं दे रही, जिसके चलते ग्राम विकास अधिकारियों में रोष व्याप्त है। हमारे जो संगठन की जो मांगे थी, जिसमें सरकार ने उनकी मांगों को माना नहीं है, उसके विरोध में हम ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मुख्य जो मांगे हैं ग्राम विकास अधिकारी संगठन की, 2019-20 की बजट घोषणा में हमारे जो रिक्त पद है ग्राम विकास अधिकारी के 4,000, उनकी भर्ती करना। इसके अलावा हमारे जो है ग्राम विकास अधिकारी में जो अन्य इसमें जो अन्य विभागों से जो समायोजित होकर के जो कार्मिक आए हैं, लगभग 300 कार्मिक है, उनको पेंशन प्रीलाभ देने के बारे में भी है। बारा के किशनगंज के रानी बगड़ौद ग्राम पंचायत में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव और अतिरिक्त जिला व सेशन न्यायाधीश शिव कुमार ने शिविर में मौजूद लोगों को दलित अधिकारों के हनन रोकने के लिए 1 सप्ताह तक साक्षरता शिविर का आयोजन किया है। जिला मजिस्ट्रेट ने लोगों से अपनी समस्याएं बताने के लिए, पीड़ित लोग जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को सूचना देकर कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने शिविर में कुछ लोगों की समस्याओं को सुना और उनको जिला न्याय में सहायता प्राप्त करवाने की बात कही। अब खबर जालौर के भीनमाल से है, जहां नेहरू मार्केट में पुरानी सब्जी मंडी को शिफ्ट करने पर माली समाज ने आक्रोश जाहिर किया। माली समाज के लोगों ने प्रदर्शन कर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। समाज के लोगों ने बताया कि कई सालों से पुरानी सब्जी मंडी में महिलाएं ठेला लगाकर सब्जियां बेचा करती है, जिनको नगरपालिका अन्यत्र शिफ्ट करना चाहती है। इस अवसर पर माली समाज युवा संस्थान के कार्यकर्ता सहित समाज के अन्य लोग भी उपस्थित रहे। खबर पाली के जैतारण से है, जहां पर राज थाने में तैनात एक हेड कांस्टेबल ने शराब के नशे में महिला के साथ अभद्रता की, जिससे गुस्साए ग्रामीणों और महिला ने हेड कांस्टेबल की धुनाई कर दी। इस मामले में महिला के पति ने हेड कांस्टेबल के खिलाफ मामला दर्ज करा है। जानकारी के अनुसार हेड कांस्टेबल शराब के नशे में धुत होकर बाइक पर जा रहा था, तभी राज क्षेत्र में एक महिला अपने पति के साथ खड़ी थी, जहाँ पर हेड कांस्टेबल ने बाइक रोकी और महिला से छेड़खानी की। ऐसे में मौजूद ग्रामीणों को गुस्सा आया, जिन्होंने हेड कांस्टेबल की धुनाई कर दी और महिला के पति ने हेड कांस्टेबल के खिलाफ रिपोर्ट दी, लेकिन मामला दर्ज नहीं किया गया, इसे जांच में रखा गया। हालांकि एसपी के आदेश पर हेड कांस्टेबल के खिलाफ जांच सीओ जैतारण सुरेश कुमार को सौंपी गई है। तो वही घटना का वीडियो वायरल होने के बाद से स्थानीय लोगों में भी काफी आक्रोश व्याप्त है। आप पुलिस में हो गया? नहीं सर। तो आप कैसे बता रहे हो मैं पुलिस वाला हूँ? गाड़ी देन देखो, गाड़ी खड़ी करा दे, गाड़ी खड़ी करा दो, गाड़ी। अरे देख देख मुंडा देख। नहीं नहीं मुंडा दो तीन। अरे आप पुलिस में हो क्या? अरे पुलिस में गए तो। अरे मैं पुलिस में हूँ, मैं पुलिस में उसे भाड़ का खास। अरे बंदी हूँ ना। अरे तो और क्या? लूनकरसर के काकड़वाला गांव में आज मिट्टी ढहने से एक 30 वर्षीय युवक दब गया। सूचना पर थानाधिकारी ईश्वर प्रसाद जांगिड़ जाप्ते सहित मौके पर पहुंचे। पुलिस ने ग्रामीणों और जेसीबी की सहायता से 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद युवक को बाहर निकाला। पुलिस के अनुसार भवानी सिंह घर में कुएं की खुदाई कर रहा था, इसी दौरान मिट्टी ढहने से वो दब गया। इसके बाद उसे बाहर निकालकर लूनकरसर अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाया गया।
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं परीक्षा में सीकर जिले का रिजल्ट 95.07% रहा, जिससे जिले ने 5 साल के बाद पूरे प्रदेश में टॉप किया। दूसरी ओर सीकर जिले के फतेहपुर और नीमका थाना के 2 छात्रों ने फेल होने के बाद तनाव में फांसी लगाकर आत्महत्या भी कर ली। पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिए हैं। कोतवाल उदय सिंह यावत ने बताया कि बुधवार को रघुनाथपुरा का सुरेश कुमार 12वीं के रिजल्ट आने पर फेल हो गया था, इससे वो तनाव में आ गया। शाम को घर में कमरे के अंदर फंदा लगाकर आत्महत्या उसने कर ली। तो वहीं नीमका थाना के ग्राम मंडवा खुर्द का मोहित भी 12वीं कक्षा में दूसरी बार फेल हुआ, इस पर उसने पंखे से फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। आपको बता दें कि मोहित के पिता दिनेश कुमार रोजगार के सिलसिले में दुबई गए हैं। पुलिस ने परिजनों को शव सौंप दिया है। ऐसी स्थिति जो ये हो रही है, बच्चे इतने ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं, इसके लिए मैं यहाँ से ये निवेदन करूँगा कि अभिभावक ऐसे समय में और भी रिजल्ट आने वाले हैं, उन पे ध्यान दें। अगर किसी बच्चे का रिजल्ट उसकी अपेक्षा के अनुसार नहीं रहता है तो उसको 1-2 दिन उसका संबल बढ़ाए, उसको कहे अच्छी तैयारी करने के लिए वो अपनी कमियाँ देखें, अच्छी तैयारी करें आगे बढ़ने के। एक इसके अलावा और बहुत सारे जीवन में ऑप्शन होते हैं, घर वाले उनके अभिभावकगण। राजधानी जयपुर के विश्वकर्मा थाना इलाके में हाईवे किनारे खड़े ट्रकों से बैटरी चोरी करते हुए 2 चोरों को स्थानीय लोगों ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इस दौरान लोगों ने चोरों को पोल से बांधकर उनकी धुनाई की। तो वहीं मामले की सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अलवर के बांसूर में हुई फायरिंग की घटना को लेकर पूर्व यातायात मंत्री डॉक्टर रोहिताश्व शर्मा ने बयान दिया है। बांसूर में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर डॉक्टर रोहिताश्व शर्मा ने पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बांसूर में बदमाशों की टोलियां लगातार घूमती है, जिससे लोगों में भय का माहौल है। ऐसे में रोहिताश्व शर्मा ने बांसूर प्रशासन पर अवैध वसूली के भी आरोप लगाए। बांसूर अराजकता का अड्डा बन गया है। यहाँ गुंडों की निरंतर बढ़ती हुई टोलियाँ रात दिन घूम रही हैं और गांव-गांव में जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी या तो जमीन दबाई जा रही है या उनकी बहन बेटियों को उड़ा करके और भगा के ले जा रहे हैं। पुलिस में अगर कोई रिलीफ के लिए पुलिस में FIR लॉज कराता है तो कई कई दिन तक FIR लॉज नहीं होती। यह राजनीतिक दबाव इतना बड़ा है कि पुलिस हिम्मत नहीं जुटा पा रही। अंततः शायद पुलिस ने भी ये ठान लिया कि गुंडों के साथ मिल जाओ और तुम भी जेब भरो और जनता को लूटो। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट, ये यहाँ की पुलिस का हाल है। यहाँ प्रशासनिक अधिकारी भी बिल्कुल कानून कायदे को समझते नहीं है। खबर सवाई माधोपुर के बौली से है, जहां पर 7 वर्षीय नाबालिग बच्ची से हुए दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि आरोपी शंकरलाल रिश्ते में पीड़िता का ही भाई है। ऐसे में उसने इस वारदात को अंजाम देकर पूरी मानवता को शर्मसार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। दौसा के बांदीकुई में राजस्थान शिक्षक संघ युवा ब्लॉक की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया गया और SDM पिंकी मीणा को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। संघ के युवा ब्लॉक अध्यक्ष महावीर तंवर ने बताया कि शिक्षकों के स्थानांतरण पर रोक हटाने, पुरानी पेंशन योजना लागू करने आदि मांगों को लेकर ज्ञापन सौंप जल्द कार्रवाई की मांग की। इस दौरान शिक्षक कालूराम अवधेश, लाखन गुर्जर, राजेंद्र प्रसाद, मुकेश सुरेंद्र, राकेश गुप्ता आदि उपस्थित रहे।